नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रिक के बारे में जानते हैं। अगर किसी भी मीटर का एटॉमिक वेट हमें निकालना है तो क्या करना होगा। अगर स्पेसिफिक हीट दिया है और उस मीटर का एटॉमिक वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6.4 में स्पेसिफिक हीट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एटॉमिक वेट मिल जाएगा। एटॉमिक वेट किसका, मीटर का। ये फार्मूला केवल और केवल मीटर के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। न्यूमेरिकल ट्रिक है, इफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस आर गिवन देन ऑल इट्स एलिमेंट्री पार्टिकल आर गिवन ऑलवेज टेकन इन मोल्स। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस दिया गया है वो सब्सटेंस जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बना है उनका हम क्या लेंगे, मोल्स लेंगे। जैसे एग्जांपल में 1 मोल अगर NH3 ले रहे हैं हम लोग, अमोनिया ले रहे हैं, क्या चीज, अमोनिया ले रहे हैं, इसमें क्या है 1 मोल जो है नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन है। 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। यानी 1 मोल क्या है नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 7 मोल इलेक्ट्रॉन है, कितने है 7 मोल इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। यानी टोटल अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 + 3 = 10 मोल इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल अमोनिया। यानी 1 मोल अमोनिया में 10 मोल इलेक्ट्रॉन है, क्या है 10 मोल इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी ट्रिक के बारे में हम जानेंगे। अगर हम लोग देखते हैं कभी कभी नीट या जेई में आता है कंपाउंड का फार्मूला पूछता है, उनका रेशियो दिया रहता है, उनका फार्मूला पूछता है, तो उसमें लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कंपाउंड ए है और बी है, दोनों के एटम दिए हैं और कैलकुलेट करना क्या हमें, उसका मोल रेशियो। ठीक ना, क्या करेंगे हम लोग, ए का एक्स ले लेंगे, बी का वाई, और जो रेशियो इसका आएगा वही इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 2 मोल हमने 2 मोल अल्मोनियम एंड 3 मोल ऑक्सीजन को लिया और ये दोनों रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, हमको उसका फार्मूला नहीं पता है तो कंपाउंड का फार्मूला पूछा जा रहा है। यानी ये अल्मोनियम कितना 2 मोल यानी 2 और ऑक्सीजन कितना 3 मोल, यानी इसका कंपाउंड का फार्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3, क्या बन जाएगा Al2O3। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ मोल का रेशियो लिया गया है, ये 0.25 मोल और का ए और 0.75 मोल बी लिया गया है, तो कंपाउंड का फार्मूला पूछ रहा है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला आप लोग लगाएंगे, ये वाला फार्मूला, यानी दोनों का मोल रेशियो निकालेंगे। इसका कितना है 0.25 और बी कितना 0.75, यानी ये कितना है 1 पार्ट है और कितना 3 पार्ट है, यानी इसका फार्मूला कितना हो जाएगा सिंपल Ab3। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला ट्रिक देंगे मोल कॉन्सेप्ट।